प्यारे भाइयों बहनों, आज हम नाउन का तीसरा क्लास लेकर उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं नाउन का नियम। आज देखिए, जब ए या एन के बाद नाउन आता है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आप के बाद जब नाउन आएगा तो उसके साथ क्या लगा रहेगा? स्टाफी यस लगा रहेगा। ये इसका रूल है। देखिए कैसा बनता है, कैसे इसको बनाएंगे। क्या हो गया, इसमें में से एक आया ए हो गया, फिर टीचर क्या हो गया, नाउन आ हो गया, आप प्रीपोजिशन हो गया। जो इसके बाद जो नाउन आएगा उसके साथ क्या लगा रहेगा? स्टाफी यस लगा रहेगा। इसलिए ये रोहित नहीं होगा, क्या होगा? रोहित होगा। वाज देयर, इसका ये क्या सही सलूशन हो गया। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है। जब दा के बाद नाउन आता है, नाउन के बाद क्या है, आप प्रीपोजिशन आए, इसके बाद जब नाउन आता है तो उसके साथ स्टॉपी यस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए क्या हो गया, दा हो गया, फिर अंकल नाउन हो गया, आप प्रीपोजिशन हो गया। इसमें से बताना है किस नाउन का प्रयोग करेंगे। इस रूल में क्या है, नाउन के साथ स्टाफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए नाउन के साथ स्टाफी एस का प्रयोग करना क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा, राम इज ए टीचर। अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है। ये कहता है दा, क्या दा के बाद क्या है, नाउन, नाउन के बाद क्या है, आप प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन। नाउन जो आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो हम ऐसे नियम को कैसे बनाएंगे, देखिए क्या हो गया, दा हो गया, वास नाउन हो गया, आप प्रीपोजिशन हो गया, ये भी क्या नाउन हो गया, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, रमन है, क्या है रमन, रमन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, क्या है सिंगुलर नंबर है। किसका प्रयोग करेंगे, इसका, आर का नहीं करेंगे, एक ग्रेट टीचर, इसका सलूशन ए है। अब देखिए फिर अगला रूल है, ए एन वन मैनी सम के बाद क्या है, आप प्रीपोजिशन आए, इसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो इस रूल पे हम सवाल हल करते हैं। देखिए इसमें से क्या हो गया, मेनी हो गया, आप प्रीपोजिशन हो गया, फिर द स्टूडेंट नाउन हो गया, ये भी क्या हो गया, स्टूडेंट नाउन हो गया। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सिंगुलर नाउन क्या, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर ये नहीं हो सकता। अब क्या है, द स्टूडेंट से क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का, वो यहाँ पर किसका होगा, बहुवचन, क्या है वेयर, इसलिए इसका सलूशन क्या सही है। अब देखिए अगला रूल क्या है, समबडी के बाद एवरी बडी आते हैं, एवरी बडी के बाद एनी बडी अगर नजर आए तो उसके बाद क्या है, एल्स आए तो उसके बाद क्या लगता है, स्टॉपी यस लगेगा उसमें। देखिए इसे क्या हो गया, यहाँ एनी बडीज एल्स बुक, ये है ना, तो कभी हम इसके एनी बडी साथ स्टॉपी यस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ट्रांसलेशन क्या है, गलत है। देखिए एनी बडी एल्स बुक क्या है, एल्स बुक, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, एल्स के बाद स्टॉपी यस लगता है, एल्स के बाद क्या स्टॉपी यस लगा, इसलिए क्या है, सेंटेंस क्या है, सही है। अब देखिए एक रूल होता है, कोई भी चीज जब कोई भी चीज एक चीज की क्या विशेषता बताए तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है, एक वचन का। जब कोई चीज दो चीज की विशेषता बताना शुरू कर दे तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है, बहुवचन का। देखिए क्या है, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट डिश, क्या है ये बता रहे कि मेरी क्या है, ब्रेड और बटर क्या है, फेवरेट डिश है, जो फेवरेट क्या है, इनकी डिश है, इसलिए इनकी क्या है, एक ही विशेषता बताया जा रही, क्या है मेरी फेवरेट है, एक ही विशेषता बताया जा रही, इसलिए किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, इसका होगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या, ब्रेड एंड बटर इज या आर बॉट बाई हर। इसमें क्या है, ब्रेड एंड बटर क्या है, दो आइटम को खरीद रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, दो चीज की विशेषता बता रहे हैं, दो चीज को क्या है खरीद रहे हैं, इसलिए किसका प्रयोग होगा, आर का होगा, इसका नहीं होगा। अब देखिए अगले रूल पे चलते हैं, जिसका नाम है कंपाउंड नाउन। क्या है, कंपाउंड नाउन। इसमें दो रूल होते हैं, इसमें दो सवाल बनते हैं। एक बनता है एस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए एस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए कंपाउंड नाउन। जैसे क्या हो गया, माई फादर इन लॉज ने, इसमें एस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना है तो कहाँ होता है, कभी भी कंपाउंड नाउन में जब एस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं किसमें होता है, हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में होता है, इसलिए फादर इन लॉज एस्ट्रॉफी यस यहाँ होगा प्रयोग। जैसे यहाँ देखिए द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें एस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना है तो कहाँ होगा, लास्ट में, पार्लियामेंट। फिर देखिए क्या है, पासर बाय, इसमें भी एस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना है, कहाँ हो जाएगा, लास्ट में, बाईस। ये क्या है, इसका पहला रूल हो गया। अब देखिए इसका दूसरा रूल होता है, जब इसका सिंगुलर से क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो क्या होता है, जो मेन वर्ड होता है उसके साथ किसका प्रयोग होगा, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किस क्या बनाने के लिए, सिंगुलर है क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ का है, फादर्स इन लॉ और फादर इन लॉ, इसमें कौन सा है, देखिए इसमें फादर इन लॉ ये क्या है, फादर इन लॉ ये क्या है, गलत है, इस ये क्या है, गलत है। फादर इन लॉज किस, हमेशा प्लूरल बनाने के किसमें प्रयोग होगा, इसमें प्रयोग होगा, इसलिए क्या है, फादर्स इन लॉ, ये सही है। देखिए यहाँ क्या गया, पासर बाई, क्या हो गया, पासर्स बाई, यहाँ का पासर बाई ने, देखिए इसमें क्या प्रयोग होगा, तो इसमें क्या लास्ट में प्रयोग कभी नहीं होगा, क्या पासर्स में क्या प्रयोग होगा, इसलिए क्या है इसका रूल ए है। अब आपको ये समझ में आया होगा, तो इसी के साथ हम क्लास का अंत करते हैं।